रचना दीदी प्रशासकीय सीएम राइस विद्यालय दामोह मध्य प्रदेश में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर, पर कार्यरत है और दीदी वहां पे नौवीं और दसवीं कक्षाओं की कक्षाओं में यूएच कंटेंट को शेयर करती है दीदी ने यूएच का आठ दिन का फेस टू फेस वर्कशॉप किया हुआ है ये वर्कशॉप दीदी ने अप्रैल 2023 में किया था और दीदी आठवें बैच से मॉर्निंग सेशंस को भी ज्वाइन कर रही है तो दीदी आपका स्वागत है और भी जी धन्यवाद भैया मैं पहले अपना परिचय दे देती हूँ श्रीवास्तव भैया ने जैसे बताया कि मैं उच्च माध्यमिक शिक्षक हूँ सी एम राइज स्कूल दमो मध्य प्रदेश में आ, मेरे परिवार में मेरा बेटा है बाईस साल का और मेरे हस्बैंड हैं मैं जबलपुर से बिलोंग करती हूँ मायका मेरा जबलपुर का है और मेरी ससुराल सागर की है Uh, मैं uh, करीब बाईस साल से यहाँ दमोह में हूँ और uh, टीचिंग लाइन में ही अपना uh, में ही हूँ मैं uh, 2023 में जब अप्रैल में मैंने ये एफ फेस टू फेस वर्कशॉप की उसके बाद से uh, एक मतलब uh, जैसे होता है कि आपके हाथ में कुछ ऐसा लग जाता है जो आप uh, बहुत समय से वेट कर रहे थे जिसका तो वो कंटेंट जब मैं वहां से लेके आई और मुझे स्कूल में पढ़ाने का दायित्व दिया गया तो उसको मैंने प्रारंभ किया फिर वहीं से मुझे पता चला कि मॉर्निंग सेशंस होते हैं जिसमें कि अभ्यास एक और अभ्यास दो के बारे में बताया जाता है चर्चा करते हैं तो मैं फिर एट्थ बैच में ज्वाइन की और ये मेरा सेकेंड बैच है जो नाइन्थ बैच है इसको मैं कंटिन्यू कर रही हूँ पिछले शेयरिंग और इस शेयरिंग के दौरान अभ्यास एक से यदि मैं अपना बताना शुरू करूं तो जो अभ्यास एक के अलग सात स्टेप हैं सबसे पहला कि स्वयं के द्वारा स्वयं को देखना तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है यदि आप इसको पकड़ लेते हैं तो फिर आपके सामने और बहुत सारी चीजें इजीली खुलती हैं पहले थोड़ा मुश्किल था लेकिन अब ये दिन, पर दिन जैसे जैसे मैं अभ्यास में उतर रही हूँ तो मुझे आसान हो रहा है ये मतलब बहुत जल्दी कुछ भी स्थिति बनती है और मैं स्वयं को देखने लगती हूँ या मुझे स्वयं को, को देखते हुए जब मैं अपनी कल्पनाशीलता पर तो स्वूल्यांकन के तहत अपने भाव समझ में आते हैं कि मैं इस वक्त विरोध के भाव में आ रही हूँ या मैं जजमेंटल हो रही हूँ या मैं किस तरीके मतलब या मैं सहज हूँ जैसे ये भाव मेरे को पकड़ में आते हैं मैं इनका मूल्यांकन और अपनी स्थिति को भी देख पाती हूँ यदि वो स्थिति मेरी सहज रहती है तो मुझे लगता है कि मैं कुछ सही चल रही है मतलब मेरा जो निर्णय हो रहा है इस आ, के बारे में मतलब मेरा रिस्पांस सही हो रहा है मैं रिएक्ट नहीं कर रही हूँ पर अगर ऐसा बहुत बार होता है कि कोई भी स्थिति आने के बाद जब मैं स्वयं को देखना शुरू करती हूँ तो मुझे समझ में आता है मैं बाहरी तौर पर तो लोगों को नहीं पता चल रहा है पर मैं अंदर से एक विरोध के भाव में आने लग रही हूँ और एक एक आलोचनात्मक वो कन्वर्सेशन अंदर चलने लगता है और फिर उस वक्त ही मैं एक और पीछे स्टेप पे उतरती हूँ कि ये जो भी मेरे में आ रहा है विरोध इसके दीप में जाके अगर हम देखें तो ये मेरी कोई मान्यता है या फिर ये कोई मेरी संवेदना है जो मुझे अनुकूल नहीं लग रही है या फिर इसको सहस्वीकृति के आधार पे मतलब सह स्वीकृति क्या है और उस आधार पे मैं कैसे लाऊंगी एक एग्जाम्पल दू कि जैसे कुछ लोग हैं जिनसे फोन पे बात करते वक्त ऐसा होता है कि वो आपके किस कुछ ना कुछ बात पे कुछ टिप्पणी करते चले जाते हैं और जैसे वो बोलने लगते हैं तो फिर आपके अंदर बातचीत तो शुरू होती है जब तक आप सहज रहते हो और फिर धीरे से कोई एक पॉइंट आता है फिर आपके अंदर एक विरोध का भाव आ जाता है और बातचीत के दौरान उनको नहीं पता चलेगा लेकिन मेरे को खुद को समझ में आने लगता है तो इसमें क्या होता है यदि वो भाव मैं चलने देती हूँ या कंटिन्यू रखती थी तो आपकी बातचीत खत्म होने के बाद भी एक आध घंटे वो व्यक्ति आपके दिमाग पे हावी रहता था मतलब मेरे दिमाग पे और फिर उसको लेके बहुत सारे कंटिन्यूसली विचार चलते थे कि ऐसा 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 अभी वो हो रहा है कि वहीं पे ही मैं उसको कटआउट करके और चेक करने लगती हूँ जैसे मैं चेक करती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि इनके साथ कुछ मान्यताएं रखी हुई है मैंने। एक तो जो संबंध है वो हमारे ऐसे डिफाइंड रहते हैं कि जैसे माँ है और फिर सास है भाई है और फिर देवर है तो वो जो एक चली आ रही है दिमाग में मान्यताएं तो कुछ कई बार ऐसा होता है कि, कि किसी एक का कहना दूसरा संबंध है तो हमको वो ठीक लगता है पर उसी बात को, को कोई ऐसे संबंध में कहें जो कि जिसके लिए कि हम एक अलग मान्यता से चलते हैं तो फिर वो हमको हर्ट करने लगता है या हम उससे प्रभावित होने लगते हैं तो ये एक बहुत चीज तो छोटी है पर ये मुझे लगता है कि मैंने एक ये बहुत बड़ी चीज पकड़ी है क्योंकि इसके होने से ये होता है कि पूरे वक्त बाहरी तौर पर जो जो भी चल रहा है मैं अपने पे ध्यान बना के रखने में सक्षम हो रही हूँ और उसके बावजूद उसके साथ ये भी हो रहा है कि मेरे को रिजल्ट भी दिखने लगता है जैसे फोन का कन्वर्सेशन हुआ और मेरा भाव बिगड़ा मैंने उसको चेक किया मुझे लगा कि ये एक मान्यता पे आधारित है उनका कहना एक सिंपल वे में है तो मुझे रिएक्ट नहीं करना है रिस्पॉन्स करना है और फिर उसको धीरे से बोल के जब सुलझा लिया तो फोन रखने के बाद कोई परेशानी कोई बेचैनी कुछ भी नहीं बचती तो मुझे समझ में आया कि जब ये पूरा प्रैक्टिस मैं कर रही हूँ तो इसका रिजल्ट भी ऐसा मिल रहा है जिसको कि हम बोल सकते हैं कि हमारे अंदर उभय सुख आ रहा है या मैं देख पा रही हूँ कि मैं संगीत और व्यवस्था की स्थिति में हूँ इस अभ्यास को करने पे तो ये एक चीज मुझे मतलब ये मेरे साथ अब मैं इसको बहुत अधिकतर कर पा रही हूँ मैं कह सकती हूँ ऐसा हो रहा है कि ये जो अभ्यास एक के साथ स्टेप है मैं अपनी स्थिति का मूल्यांकन भी कर पाती हूँ ये भी श्योरिटी बनती जा रही है कि जो भी निर्णय आ रहा है वो मैं ले रही हूँ चैतन्य के द्वारा लिया जा रहा है इसका ऊपर अगर मैं ध्यान दे दू तो ये कोई मान्यता और संवेदना को मैं का महत्व कम कर सकती हूँ और अपनी सही समझ से उस निर्णय को का परिमार्जन कर सकती हूँ तो इस सारी बातों से मुझे ये समझ में आ गया कि सही समझ की आवश्यकता बहुत अधिक है और ये एक ऐसी चीज है जिसका जितना यूज करूंगी मैं उतना ये मेरे में आ, आती चली जाएगी मतलब वो ऐसी नहीं है कि हाँ समझ लिया और फिर कॉपी में लिख लिया और फिर बंद करके रख दिया ये इसको व्यवहार में मतलब पूरे समय मुझे अपने अंदर इसको चलाना पड़ेगा इसी से एक एग्जाम्पल भी ले तो अभी पिछले दिनों एक ऑफिस में कुछ काम था तो वहां बहुत वर्कलोड है अभी इस समय चुनाव भी चल रहा है तो एक महिला जिनके पास मुझे कुछ कागज जमा करने थे मेरी एक और सहकर्मी भी साथ में गई थी तो वो थोड़ा सा हम लोगों से रूडली बोल रही थी लेकिन उतनी देर में ही मतलब जाने के समय ही मुझे पता था कि वो वहां जितने लोग हैं वो काम के प्रेशर में हैं और इनसे बहुत न, आ, मतलब अच्छे रिस्पांस की उम्मीद नहीं करना चाहिए तो जब वो बोलने लगी थोड़ा रूड होके तो मेरी सहकर्मी को थोड़ा लगा वो एक्सप्लेन करिए वो आ, पर मैं थोड़ा सा शांत खड़ी रही फिर उनको ही बात को सहमति दी और उन्होंने फिर हमारा कागज रख लिया मैं बाहर आई तो एकदम फ्री थी मतलब कुछ ऐसा बेचैनी नहीं, नहीं हो रही थी कि बताओ ऑफिस में गए और उन्होंने हमारी बहुत सारे लोगों के सामने हमको खराब तरीके से बोला पर वो महिला सहकर्मी आने के बाद भी, हम लोग जब बैठे रहे तो मेरी जो फ्रेंड थी वो बहुत देर परेशान होती रही कि मतलब काम के लिए तो वो बैठी इस तरह से तो उनमें और अपने में जब मैंने अंतर देखा तो मुझे लगा कि ये मतलब अभ्यास एक यदि आप करते रहे कंटिन्यूसली और मतलब इस पे ध्यान देते रहे तो ये बहुत अगर शायद आप अच्छे से करें तो ये बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देने लगता है और मैं इसको अब महसूस कर रही हूँ मतलब ये जो सेकंड बैच मैंने ज्वाइन किया है मॉर्निंग सेशन का उसके बाद से तो ये बहुत मेरे को थोड़ा सहज हो गया है करना आसानी से मैं जल्दी से अपनी स्थिति को पे ध्यान दे लेती हूँ अभ्यास दो के ऊपर आते हैं तो मैं के द्वारा मैं और शरीर को देखना ये तो हो रहा है आ, क्योंकि जब मैंने ये बोल, आ, शरीर और चैतन्य को समझा और इसकी जरूरतें और इसके क्रियाओं को जब देखा और फिर इसको मैंने थोड़ा सा स्टडी भी किया आ, बार बार इस चीज को समझने की कोशिश की तो अभ्यास दो के जो ये शुरू के दो तीन स्टेप है कि मैं के द्वारा शरीर को और मेरे मैं को देखना फिर जो संकेत है वो एक सूचना है और आ, सूचना को हम आ, अपने शरीर के माध्यम से आ, लेते हैं मतलब संवेदनाओं के माध्यम से और जो सूचना आती है उसके विषय में मैं ही दृष्टा होती हूँ फिर कर्ता और भोक्ता तो ये आ, ये चीज कुछ हद तक समझ में आने लगी है आ, जैसे कि आ, वही बात हुई कि घर में मैं बैठी हूँ और न, कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज सुन रही हूँ और अचानक से कहीं शोर होता है तो दिमाग मतलब ध्यान वहां जाता है पर अगर घर में मैं बैठी हूँ और जनरल जो आवाजें हैं आ रही हैं और मैं कुछ इंपॉर्टेंट सुन रही हूँ तो वो आवाजें मेरे ऊपर इफेक्ट नहीं डालती है या मैं उनको मार्क नहीं करती हूँ अभी हुआ कि कॉलोनी में एक सामने बच्चा है वो प्लास्टिक बॉल से खेलता रहता है पूरा दिन छुट्टियां हैं तो, तो सुबह और शाम जिस वक्त मैं खाली रहती हूँ मैं बैठती हूँ तो वो साउंड मुझे मतलब ज्यादा तेज से महसूस होता है और पूरे दिन जब मैं काम में रहती हूँ तो वो आवाज आती रहती है पर उसकी इम्पोर्टेंस नहीं होती मतलब मुझे वो कुछ ऐसा ध्यान नहीं आता कि वो चल रही है आवाज तो ये मुझे समझ में आया कि यदि संवेदनाओं को लेने के बाद कैसे पढ़ना है वो हमारे उप, मतलब मैं निर्णय लेती हूँ और जब मैं निर्णय लेती हूँ तो फिर वही मैं दृष्टा होती हूँ कि ये किस तरीके की चीजें हैं मतलब किस तरह से मेरे पे असर डाल रही हैं फिर उसके अनुसार मैं व्यवहार करती हूँ संवेदना है और जो मैं व्यवहार करती हूँ फिर उतना उसका ही रिस्पांस मुझे मिलता है उसके प्रतिफल के रूप में कि मैं उसे भोगती हूँ इसको अगर मैं एक और एग्जाम्पल दू तो पिछले दिनों मेरा कंधे में कुछ प्रॉब्लम थी और दर्द बहुत बड़ा हुआ था तो ये पहले भी मुझे होता था और जब होता था तो मैं उसके प्रति बहुत संवेदनशील हो जाती थी कुछ दिन तक जब वो चल मतलब कुछ देर वो चलता था तो धीरे धीरे मुझे ये समझ में आता था कि सुबह से रात तक में वो बहुत बढ़ गया है फिर मुझे मेडिसिन लेनी पड़ती थी कुछ और चीजें और एक आध दिन मेरा फिर उस तकलीफ में निकल जाता था इस बार भी ऐसा हुआ कुछ काम का लोड था तो मेरा वो कंधे का दर्द बढ़ गया पर मैंने फिर अपने पे यही ध्यान दिया कि अगर बॉडी से ये मेरे को सूचना मिल रही है तो इससे कितनी महत्व महत्व देना है या इससे कितना परेशान होना है क्योंकि वो तो दर्द तो जो है वो तो अपना टाइम लेगा मतलब मैं, मैं जो भी है सेकना होगा या जो क्रीम लगाऊंगी जो भी करूंगी पर इससे परेशान कितना हो रहा है तो उस पर मैंने थोड़ा ध्यान दिया पूरा दिन तो स्थिति ये बनी कि सुबह से लेकर रात तक में वो पेन कम हुआ जो कि पिछले दिनों में ऐसा होता था कि वो बढ़ जाता था लगातार उस उसपे मैं ध्यान देती थी तो वो बढ़ जाता था और इस बार मैंने उस उसपे इस तरीके से ध्यान दिया कि मुझे उसको बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देनी है मतलब हो तो रहा है पर और कुछ मैं जो भी कर रही हूँ कर पा रही हूँ तो ये एक फर्क पड़ा कि उसको मैंने देखा फिर वो मेरे व्यवहार में आया कि मैं और चीजें करती रही उसका जो भी करना था ट्रीटमेंट वो करती रही और रिजल्ट रात तक ये हुआ कि मैं जब बेड पे जा रही थी तो मुझे दर्द तो था पर वो बहुत ज्यादा वाला तकलीफ और परेशानी उस उतना नहीं हो रहा था तो तो इससे मुझे ये तो एक बन रही है कि मैं और शरीर दो अलग अलग वो है और जिन पर मैं अपने को भी देख पाती हूँ और अपने शरीर को भी संवेदनाएं मैं लेती हूँ उनको एक वो देती हूँ उनको अपनी मान्यताओं और सही समझ के आधार पे उनको एक भाव देती हूँ और उसके आधार पे मैं रिएक्ट कर सकती हूँ तो ये चीज तो मुझे आने लगा है अभ्यास दो के के जो कुछ चरण है शुरू के, ये मैं कर पाती हूँ इसी में आगे आता है कि बाह परिस्थितियों का प्रभाव तो जैसा मैंने अभी बताया कि मुझे तकलीफ थी और उसको मैंने एक अलग तरीके से सोचा या सही समझ के आधार पे लिया तो वो एक अलग तरीके से गुजरा मेरे ऊपर से तो धीरे से जब ये देखने लगते हैं तो फिर अपने जो संस्कार हैं उन पर भी ध्यान जाने लगता है कि जस कि ये संस्कार जो ऐसे पिछले डले हुए हैं ये कहीं ना कहीं मेरे को आगे मेरे सही समझ को बाधित करते हैं और फिर उनके कारण जो रिजल्ट आता है वो मुझे संगीत और व्यवस्था से अलग कर देता है और अगर मैं अपने संस्कारों का परिमार्जन करूं तो फिर मैं स्वतंत्र हो जाती हूँ तो इसमें जैसे कि वो महिला जो कर्मचारी थी जिसने मुझे ऐसा बोला तो पहले हम लोगों का मेरा एक सभी की रहती है कि सामने वाले ने आपके लिए कुछ बोला तो आप अपमानित हुए पर अब जैसे ही मैंने ये चीज ले ली कि नहीं वो अपने काम के कारण परेशान है उसका इंटेंशन नहीं है कि वो मेरे को हर्ट करे या ये करे तो जैसे मैं शिफ्ट हुई इस बात पे तो फिर मुझे लगने लगा कि वो मतलब वो वहां ये यहाँ वहां वो वो बात भी आ गई कि उनकी चाहना और योग्यता वो अंतर मुझे दिख गया मेरा मान सम्मान या अपमान उनके हाथ में नहीं है ये बात भी दिख गई और ये पूरे चेंज करने से ये पूरी चीज की सही समझ से मैं अपने आप में अपनी व्यवस्था को बनाए रखने में सक्षम थी तो मतलब मैं जो ये एक बात आती है कि मान्यता आधारित संस्कार जो हैं वो आपको परतंत्रता देते हैं और जैसे आप सही समझ की तरफ आते हो तो आप एक स्वतंत्र वो हो जाते हो मतलब आपकी सोच आपका रिस्पांस ये सब आपके हाथ में आ जाते हैं मैं या चैतन्य के हाथ में तो इसको मैं समय-समय पे देख पा रही हूँ पिछले कुछ समय से अगला जो स्टेप है कि मेरा होना या शरीर का होना शून्य के सह अस्तित्व में तो ये थोड़ा सा एक कठिन लग रहा है मुझको वो शायद इसलिए कि जब समझ धीरे-धीरे बढ़ेगी तब उस अनुभव तक पहुंच पाऊंगी लिखा हुआ और अनुभव करना ये दो एक अलग बातें होती हैं तो पर शून्य के अस्तित्व में सारी चीजें बनी हुई हैं व्यवस्थित है और एक दूसरे के अस्तित्व में भी वो कार्य कर रही है ये बात समझ में भी आ रही है और कभी कभी मुझे जब मैं इन पर ध्यान देती हूँ इंटेंशनली बैठ के तो मुझे ये दिखाई देती है मतलब अगर मैं ये समझ लूंगी कि शून्य के अस्तित्व में अनुभव कर लूंगी तो मुझे लगता है कि जैसा मैंने पहले ये समझा था कि यही एक सत्य है जिसके लिए हम हर मनुष्य एक चलता है अपनी जर्नी करता है अलग अलग दर्शन में अलग अलग तरीके से और अंत में वो यही है कि यदि हमें ये समझ में आ जाए कि हम शून्य के सह अस्तित्व में है तो ये एक सत्य है जब ये समझ में आएगा तो मैं सबसे संबंधित हूँ ये प्रेम है पर वो अभी धीरे धीरे वो इनबिल्ट होने लगा है मतलब पहले लगता था मैं मेरा परिवार अभी उसके आगे भी दिखने लगता है मेरे मेरे बच्चे भी स्कूल के मेरे साथी भी कॉलोनी भी और ऐसे करके वो अपना एक दायरा बढ़ने लग रहा है और जब इन सबके प्रति जिम्मेदारी महसूस होने लगती है तो वो एक करुणा का भाव है जो अपन में है और वो अब दिखने लगेगा तो ये अभी चल रहा है लेकिन सातवा स्टेप थोड़ा सा मैं उसकी उतनी क्लियरिटी में उतनी निश्चितता नहीं बनी हुई है इसके बाद अगले पॉइंट पे ये था कि सुख आपका स्वभाव है या प्रभाव तो इसलिए बोलना चाहूंगी मैं भैया कि ये बहुत मतलब चेंज या तो मुझे लगने लगा है कि अब ये मुझे बहुत जल्दी पकड़ में आने लगा है जैसे ही अपना ध्यान मैंने अभ्यास एक के तहत अपने पे लगाया तो ये जो स्वभाव था मतलब अपनी संगीत और अपनी व्यवस्था को मैंने जब अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया तो पूरे दिन में समझिए कि यदि मैं सिक्सटी से सेवेंटी परसेंट भी अपने आप पे ध्यान दी रहती हूँ और अपने निर्णय को अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर पाती हूँ या अपने रिस्पॉन्स को बदल पाती हूँ तो सुख मेरा अपने आप ही स्वभाव बन जाता है मतलब किसी भी चीज का प्रभाव अब कम होने लगा है और वो जो एक स्वतंत्रता वाली बात है कि नहीं आ, मैं अपने अंदर व्यवस्थित हूँ ये मेरा खुद का निर्णय है मेरा खुद का काम है तो इसलिए ये जो अब एक बात आती थी कि सुख स्वभाव है या प्रभाव तो प्रभाव से हटके स्वभाव हो रहा है हालांकि ये परसेंटेज पे बोले तो हंड्रेड परसेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैक्सिमम टाइम में ध्यान लगा पाती हूँ अपने पे और फिर इसलिए मैक्सिमम टाइम में अपने जो मेरा सरल स्वभाव मेरा जो सहज स्वभाव है सुख उसमें मैं रह पाती हूँ तो ये सारे जो अभ्यास एक और दो के आधे कुछ स्टेप्स हैं यहाँ तक मैं काम कर पा रही हूँ और इसमें मुझे बहुत कठिनाई नहीं हो रही है बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है तो मैं उसको कार्यक्रम जो है अब वो अनुकूल संवेदना चैतन्य पे चैतन्य मेरा मतलब सजग है या मैं चैतन्य पे धा... मैं ही चैतन्य हूँ तो मैं अपना ध्यान अपने ओर रख पाती हूँ मैं कहूंगी अः इसे मैं बहुत अच्छे से क्लियर नहीं कर पा रही हूँ पर यह है कि मैं पूरे समय एक सजगता की स्थिति में रहती हूँ और बहुत जल्दी ही परिस्थितियां जो आती है उनपे रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्स करने के लिए एक पॉज ले लेती हूँ और अपनी चेकिंग करने के बाद एक सही समझ का इस्तेमाल कर पाती हूँ और मेरा रिस्पॉन्स मोस्ट ऑफ द टाइम सही रहता है और उससे मेरी व्यवस्था बनी रहती है तो इसलिए मुझे लगता है कि मैंने जैसा रिस्पॉन्स किया वो ठीक था ये सारा करने के बाद अगर बोले तो अपने में समझ बनाने के लिए मैं प्रयास जो मेरे चल रहे हैं वो ये है कि मॉर्निंग सेशन तो मैं एक घंटा ज्वाइन करती हूँ इसके अलावा अभी मैंने पिछले कुछ एक दो महीने से YouTube पे बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं भानु भैया का एक पूरा फेस टू फेस वर्कशॉप है जीवन विद्या परिचय शिविर करके वंदन भैया की भी है और भी डले हुए हैं तो अभी मैं रोज वो करीब करीब एक वीडियो एक घंटे करीब का होता है तो वो मैं देख रही हूँ क्योंकि उससे मुझे एक और चीज का फायदा हो रहा है कि क्लास में मुझे जिस तरीके से कंटेंट को डिलीवर करना है वो मुझे आ पाएगा क्योंकि आ, बच्चों को बांध के रखना तभी हो पाएगा मुझे लगा कि जब मैं आ, एक सही तरीके से कंटेंट उन तक पहुंचा पाऊंगी जिसमें मैं पिछले साल तो बहुत सफल नहीं हुई हूं मुझे ऐसा लग रहा है पर इस साल मैं अपना तैयारी अभी से थोड़ा सा शुरू कर रही हूँ और शायद कंटेंट मुझे समझ आया है ज्यादा इन पिछले दो मॉर्निंग सेशन से तो इसलिए भी कुछ मैं कर पाऊंगी ज्यादा इम्प्रूवमेंट मुझे लग रहा है दो बातें थी जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी इसमें यूएचवी से जुड़ने के बाद मुझे लगा कि पहले मैं खुद पर काम करके कहीं पहुंच जाऊं और उसके बाद फिर मैं बाहर के लोगों को सहयोग कर पाऊंगी पर ये मॉर्निंग सेशन ज्वाइन करके और बातचीतों के बातचीत के दौरान पता ये बात क्लियर हुई कि यहां पर स्वयं भी काम करते रहना है परिवार और समाज में भी की भी की ज़िम्मेदारी लेके काम करते रहना है और जैसे जैसे अभी हुआ कि मैं ऑफिस में मैंने इस बात को समझा तो मुझे सामने वाले की योग्यता चाहना को समझ के अलग अलग करके देखना फिर अपने संस्कार में सही समझ के आधार परिमार्जन करना तो ये पूरी प्रक्रिया धीमी है पर एक साथ चलेगी मतलब ऐसा नहीं होगा कि पहले मैं अपने पे काम कर लूँ फिर मैं बोलूँ की मैं यहाँ तक आ गई हूं अब मैं बाहर शुरू होंगी तो एक ये जो मेरा डाउट था या मेरा एक एक मैंने बना ली थी बात कि पहले मुझे खुद को ठीक करना है पर अभी समझ में आया कि ठीक करने का कोई ऐसा लास्ट पॉइंट नहीं है तो वो एक प्रक्रिया है जो मैं करती जाऊंगी और साथ ही साथ मतलब परिवार और समाज को भी इसी प्रक्रिया में जोड़ना रहेगा और अपनी जिम्मेदारी को देखना रहेगा तो ये एक साथ चलने वाली प्रक्रिया है तो एक बात तो मुझे ये क्लियर हुई और दूसरा जब ये जीवन विद्या परिचय शिविर के वीडियो देख रही थी मैं तो उसमें एक बात सामने आई कि आ, मुझे कंटेंट बच्चों के सामने सही तरीके से रखने में सहायता तो मिल रही है एक दूसरा पॉइंट जो आया कि मुझे धैर्य बना के रखना होगा मतलब अपना जब कंटेंट मैं डिलीवर करूंगी या जब मैं बच्चों की क्लासेस लूंगी तो मुझे पिछले दिनों में ये लगा कि मैं चूंकि बहुत कुछ समझ में आ गया है वाला टाइप का था तो मैं बहुत ज्यादा बोलती थी और बच्चों को टाइम सोचने का और बोलने का टाइम कम दे रही थी तो वो भानु भैया के और वंदन भैया के वीडियो देखने के बाद मुझे समझ में आया कि Uh, मतलब जो सामने बैठे लोग हैं उनके साथ द्विमार्गी संवाद करना है टू वे कन्वर्सेशन होना चाहिए uh, मेरा ऐसा हो जाता था कि वो वन वे चलने लगता था तो थोड़ी देर में वो शायद प्रवचन टाइप का स्थिति बन जाती थी तो इसलिए भी वो शायद बहुत सही तरीके से पिछली क्लासेस मुझे सेटिस्फाइड नहीं करी और इस पूरे उसमें ये है कि मुझे पूर्वक अपने प्रस्ताव को रखना होगा बच्चों के या जिसको भी मैं जिससे भी शेयर कर रही हूँ इसी में एक बात और ये थी कि जब जिम्मेदारी पूर्वक जीने का बात आती है तो उसका तात्पर्य है, है कि स्वयं में सही समझ विकसित करते हुए दूसरे की चाहना पर विश्वास करूं, उनकी योग्यता की कमी को स्वीकारूं और जब वो सहायता मांगे तब उन्हें उतनी ही सहायता देनी है जितनी वो मांग रहे हैं और यदि वो नहीं समझ रहे हैं तो मुझे बेचैन नहीं हो रहा है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो इन वीडियो के दौरान मेरे को मतलब जो निकल के आया और जिसको मुझे एकदम अच्छी तरीके से समझ लेना है या अपने व्यवहार में उतारना है क्योंकि होता यही है कि बहुत 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 मेरे में परिवर्तन देख के सारे सारे लोग प्रश्न करते हैं और जब मैं उनको हल देने लगती हूँ तो अब चूंकि मेरी देखने की दृष्टि बदल गई है और उनकी अभी नहीं बदली है तो वो उसको उतना जितना मैं दे रही हूँ उस तरीके से वो नहीं ले पाते फिर बाद में मेरे को लगता है कि कैसे ये समझ ही नहीं रहे हैं मतलब ऐसे तो बहुत मुश्किल है तो जब मैं और फिर में बेचैन होने लगती थी तो ये एक पॉइंट निकला है जिसको मैंने एकदम कोट करके लिख लिया है और अभी मैं बहुत इसको ध्यान रख रही हूँ कि सामने वाले व्यक्ति की योग्यता और उसके मांगने की मांगी गई सहायता के अनुसार ही मुझे सहायता करना है अगर वो समझ लेता है तो ठीक है नहीं समझता है तो फिर जब वो सहायता मांगे तो उसकी करो पर उस सबसे खुद को बेचैनी में नहीं डालना है तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने पिछले और अब के शेयरिंग के बीच में अपने में देखी है अंत में यही कहूंगी कि इतना व्यवस्थित रूप से जो ये ज्ञान समझने का मार्ग मेरे सम्मुख खुला है मैं हृदय से गणेश भैया के और पूरी यूएच टीम के प्रति कृतज्ञ हूँ ये बहुत ही मतलब शब्दों में नहीं बता सकती हूँ पर एकदम जीवन का जो देश है जिसके लिए मैं बहुत सारी चीजों से गुजरी बहुत सारे दर्शन पढ़े और बहुत सारे प्रैक्टिस भी की पर अब एक चीज ऐसी है जिसमें कि मुझे लग रहा है कि मतलब इसी दौरान मैं करती भी जाऊंगी मुझमें भी परिवर्तन होगा बाहर भी मुझे दिखेगा तो बहुत ही एक बहुत निश्चिंता आ गई है कि मतलब अब एक लाइफ का पर्पस मिल गया है और मेरी लाइफ का ये प्राथमिकता बन गई है और मैं अब एकदम इसके प्रति प्रतिबद्ध हो कि इस बड़े लक्ष्य की ओर अपना यथास्भव योगदान दे सकूंगी धन्यवाद जी जी धन्यवाद दीदी दी, बहुत ही ही सुंदर शेयरिंग शेयरिंग रही आपकी आ... सभी को पुनः नमस्ते दोनों ही में कहूंगा आज बहुत अच्छी रही एक खास बात जो मैंने ऑब्जर्व की कि दोनों ही शेयरिंग संतुलित रहेंगे शब्दों में कहीं अतिशयोक्ति नहीं था और बिल्कुल जीने से जोड़कर जो परिवर्तन और परिमार्जन दिखाई दिए हैं उस पर बात हुई कहीं ऐसा नहीं कि ये चीज़ मैंने देख लिया है या दिखने लगा है ऐसा ना कहकर उस बात की स्पष्टता के साथ जीने में जो परिवर्तन आ रहा है उस पर बात हुई तो बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही विस्तार से बिंदुआ ढंग से रखा गया रचना जी अभी सी एम राय स्कूल में है और जिस तरह का उनके पास अवसर बना हुआ है तो भागीदारी के लिए भी बहुत बड़ा अवसर खुला हुआ है और जिस बारीकी से आपने बात को रखा और जो देखने का अभ्यास कर रही हैं जीने का अभ्यास कर रही हैं मुझे लगता है कि स्कूली शिक्षा में जो एमपी में काम हो रहा है उसमें बहुत अच्छी संभावना है भागीदारी के बारे में आपने थोड़ा कम रखा मुझे लगता है कि आप अगर कुछ स्पेसिफिक भागीदारी बताएं रचना जी कि जिन चीजों की आपने अभी जिम्मेदारी स्वीकारी हुई है तो और अच्छा रहेगा जी भैया अभी एक्चुअली एग्जेक्टली exactly तो हम लोग को बस वो नाइन्थ और मतलब जो स्कूल में ले रही हूँ मैं वही है यहाँ यूएचवी से एक फॉर्म ओपन हुआ था जिस पर मैंने जिसे मैंने फिल किया था पर अभी यूएचवी में अपनी कुछ ऐसे सक्रिय भागीदारी में नहीं सुनिश्चित कर पाई हूँ तो और संपर्क करके और फिर कुछ जो भी जिस क्षेत्र में अपना दे पाऊंगी तो मैं उसको करती जी, हूँ जी, जी, जिम्मेदारी तो है स्कूल से बाहर जो एमपी में स्कूल एजुकेशन में काम हो रहा है बहुत सारे वर्कशॉप रहते हैं डॉक्यूमेंटेशन का काम है ऑब्जर्व ऑब्जर्व करने के रूप में भी जाते हैं लोग ना, वो करने के जाते हैं। तो उस तरह के बहुत सारे रोल्स एंड और, और आगे काम और बढ़ना है आपके यहाँ एम पी में यदि बात हो रही है की जो छोटे बच्चों के लिए आईसीडीएस के थ्रू कार्यक्रम चलते हैं ना उसमें भी काम शुरू किया जाए आंगनबाड़ियों में तो उस तरह के भी काम निकल कर आ रहे हैं जी तो आप, आप, जी जी मैं इसमें अपना बढ़ा बढ़ाऊंगी मतलब सुनिश्चित करती हूँ अपनी जिम्मेदारी अभी थोड़ा ये साल मुझे ही समझने में लगा कंटेंट को और अ, कुछ अभी और भी अ, स्कूल में चूंकि चलता रहता है चुनाव है ये वगैरह पर इन सबको परे करके मैं कोशिश करूंगी कि अ, और जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं शिक्षा विभाग में उनसे मैं उनमें मैं अपना जिम्मेदारी या अपनी सहभागिता दूंगी बहुत बढ़िया दीदी भानु भैया के आलोक भैया भैया के दिलशाद के आप संपर्क में रह सकती हैं और वो लोग वहाँ कार्यक्रम में जाते रहते हैं तो और अच्छा, अच्छा रहेगा पूरे रीजन के साथ आप जुड़ सकती हैं जो सेंट्रल रीजन है है ना उसके साथ आप जुड़ के आगे भागीदारी कर सकती हैं जी बहुत जी बहुत ही अच्छी आपने ने, ने, ये या आपका ये दूसरा बैच रहा ना आप आठवें बैच में जुड़ी थी मैं आठवें बैच से ज्वाइन करी हूँ बढ़िया जी बहुत सुंदर और पहला वर्कशॉप आपने कब किया था भैया अप्रैल 2023 में किया था भानु भैया ने लिया था भोपाल में अच्छा फेस टू फेस ही था थी। बढ़िया बढ़िया दीदी बहुत सुंदर जी